केस हाइपॉक्सिक इस्केमिक एंजिलोपैथी एंड एपिलेप्सी माइल्ड डिफ्यूज पाउसिटी ऑफ व्हाइट मैटर माइल्ड थिनिंग ऑफ कॉर्पस कैलसम एबनॉर्मल ईईजी आई मूवमेंट आर्टिफैक्ट सीन नाड़ी योगा के 5 महीने की थेरेपी के बाद सुधार हाइपॉक्सिक इस्केमिक एंसीफेलोपैथी प्रणालीगत जन्म के समय होने वाली श्वासावरोध का परिणाम है नवजात शिशुओं में मानसिक मंदता मस्तिष्क पक्षाघात और मिर्गी जैसी कई समस्याएं विकसित हो सकती हैं अन्य डॉक्टरों ने कहा वह पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती नाड़ी योगा से आए 6 महीने में असाधारण परिवर्तन सुधार का 5वां भाग नाड़ी योगा चिकित्सा से पहले की ईईजी रिपोर्ट नाड़ी योगा चिकित्सा से पहले की एमआरआई रिपोर्ट उपचार से पहले की समस्याएं पैरों में अकड़न अपने शरीर को संतुलित नहीं कर सकती बोल नहीं पाती कुछ किसी भी शोर से डर जाती है खड़े होने या चलने की कोशिश नहीं करती हमेशा डरती है निर्देशों का पालन नहीं करती है उसका शरीर बहुत ढीला है खुद खाती या पीती नहीं है कुछ नहीं मांगती समझ नहीं पाती खड़ी नहीं हो सकती चल नहीं सकती बैठने की मुद्रा ठीक नहीं है 4वें महीने की थेरेपी के बाद सुधार पहले बहुत कम बोलती थी अभी पहले से कुछ कुछ ज्यादा बोलने लगी है स्पीच में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है और पहले अगर खड़ी होती थी तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी अभी तुरंत खड़ी हो जाती है और चलने की भी कोशिश करती है नाड़ी योगा के 5 महीने की थेरेपी के बाद सुधार पहले से काफी इम्प्रूवमेंट है ये पहले बहुत ज्यादा डरती थी अभी इसका डरना बहुत कम हो गया है प्रॉपर तरीके से पॉटी बताने लगी है कि मम्मा पॉटी जाना है करना है मैम ये अब बॉडी पार्ट्स भी बताती है नोज कहाँ है लिप्स कहाँ है टंग कहाँ है टीथ कहाँ है टीथ आईज कहाँ है चिक कहाँ है चिक हेयर वेरी गुड हेयर वेरी गुड हैंड कहाँ है और फिंगर कहाँ है फिंगर और नेल कहाँ है वेरी गुड आगे भी जारी नाड़ी योगा पैसिफिक गल्फ स्टेट के सामने सहस्त्रधारा रोड कुलहन देहरादून विजिट करें हमारी वेबसाइट www.nadiyoga.com और मेल करें अपनी क्वेरीज nadiyoga@gmail.com पर या कॉल करें लैंडलाइन 135-262-9944 मोबाइल 7252052999